खबर ग्वालियर से है, जहां नदी किनारे बैठकर शराब पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि चार दोस्तों ने अपने एक साथी दोस्त की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपियों ने मृतक का शव एक खेत में रखा और फरार हो गए थे। लोगों को ऐसा बताया गया कि वह पानी में डूब गया था, तो वह डर कर उसकी लाश को वहां छोड़कर भाग आए थे। घटना एक महीने पहले की है। मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि आरोपियों ने मृतक की मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के मोहना के जखरेटा गाँव में रहने वाला वास्तव आदिवासी एक महीने पहले अपने दोस्तों बंटी आदिवासी वजीरा रुस्तम और भरत के साथ दारू पार्टी करने के लिए जखरोटा नदी के पास गया था। यहाँ पर शराब पार्टी में वास्तव ने ज्यादा शराब पी ली थी। वो शराब मांगता रहा, लेकिन बजट बिगड़ने के चलते वे उसे शराब नहीं दे रहे थे। इस पर उनके बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चारों दोस्तों ने वास्तव आदिवासी की मारपीट कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि बंटी व अन्य ने वास्तव को पत्थरों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद चारों दोस्त मृतक का शव नदी किनारे एक खेत में छोड़कर भाग निकले थे। मृतक के परिजन को बताया था कि वास्तव नदी में नहाने के लिए उतरा था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई है। जब पुलिस ने पड़ताल की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट लगना बताया, तो वो भी ऐसी जो किसी ने दी हो। इसके बाद पुलिस ने सभी संदेहियों को थाने उठाकर पूछताछ की, तो मामले का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को हत्या का मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जब आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि दारू ज़्यादा पीने के बाद भी वह और दारू मांग रहा था। इस पर विवाद हुआ और मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हत्या करने वाले चार आरोपियों को पकड़ लिया है। सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से जेल भेज दिया गया है। मुना में कुछ दिनों पूर्व एक आदिवासी की बॉडी मिली थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ही कुछ संदेह नजर आ रहा था। पीएम रिपोर्ट के बाद ये स्पष्ट हुआ कि इसकी हत्या की गई है, और पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना दिनांक को ये सभी नदी के किनारे बैठ के शराब पी रहे थे, और इसी पीने के दौरान इनमें कुछ विवाद हुआ, जिसमें पत्थर और हाथ मुक्कों से उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। अब शीघ्र इसमें विवेचना करके चालान न्यायालय प्रस्तुत किया।